गुरु जी की संगत के लिए गुरु जी का बर्थडे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, किसी त्यौहार से कम नहीं होता। इसमें खूब डांस एंजॉय सब कुछ किया जाता है और गुरु जी कहते हैं ना जय ऐश कर, बस ऐसा ही है गुरु जी का बर्थडे का जो सत्संग होता है। तो संगत जी आप भी घर पे कर सकते हैं सत्संग, और जानिए कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटे बजट में भी आप कर सकते हैं, और बजट बड़ा हो तो और अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे भी हो गुरु जी सब पर कृपा करते हैं, आप बस श्रद्धा से कीजिएगा, गुरु जी सबको खूब 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 ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि गुरु जी का सत्संग कैसे करें। तो गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है 7 जुलाई को, और आप घर में ही गुरु जी का सत्संग कैसे करें छोटा सा, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो काफ़ी संगत जी के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप सबके लिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए और बहुत ही आसानी से आप गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट घर में कर सकते हैं। तो जो संगत भी सत्संग में जा रही है वो अवश्य जाए, अपने आसपास जहाँ भी उनके पास गुरु जी का बुलावा आ जाए तो ज़रूर जाएं, और जो घर में ही करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि गुरु जी का चोला अगर उनके पास है तो सही है, और नहीं है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके पास कोई सूट है फ्रेश नया होना चाहिए, तो आप उससे ही गुरु जी की गद्दी को लगा लीजिए, और कोई बेडशीट न्यू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे सूट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आप सबसे पहले गुरु जी की गद्दी लगाएंगे, और गुरु जी को आप पहले ही टाइमिंग दे देंगे कि गुरु जी आप इस टाइम पे आइएगा, है ना। आप छोटा 1 घंटे का सत्संग करना चाहें या 2 घंटे का करना चाहें वो आपकी श्रद्धा है, पर गुरु जी को पहले ही आप इनवाइट कर दीजिएगा कि गुरु जी आप आइएगा। तो आप 3 बजे इनवाइट करें, 2 बजे करें, 5 बजे करें, तो वो आपकी श्रद्धा है। गुरु जी बिल्कुल पंचुअल है, अगर आपने 4 बजे का टाइम बोला है तो आपका सत्संग शार्प 4 o'clock स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्लेलिस्ट आप पहले से ही देख लें, उसमें वेलकम बैंड होता है, तो 4 बजे या 5 बजे जो भी आपने टाइम दिया है गुरु जी को, आपकी तैयारी पहले से ही एडवांस में सारी होनी चाहिए, और ठीक टाइम पे जो भी आपने दिया है गुरु जी को उस टाइम पे आपका वेलकम बैंड हो जाना चाहिए। तो तैयारी आप कैसे करें वो आप जान लीजिए। तो आपको लगानी है गद्दी, जैसे कि आपने सूट लिया या चोला आपके पास अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो यदि आपने सूट लिया है फ्रेश तो आप गद्दी लगाइए, स्वरूप रखिए गुरु जी का। 2 कुशन आपको लगाने हैं गुरु जी महाराज के लिए, ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ सकें, ठीक है। और नीचे चौकी चरण आप रखिएगा, चौकी चरण के लिए आपको चौकी लगानी है। चौकी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 कुशन पे भी चौकी चरण रख सकते हैं, अच्छा सा सुंदर सा कोई कपड़ा वहाँ पे बिछा दीजिएगा, ठीक है। और 2 टेबल लगानी है जो आपने गद्दी तैयार करी है उसके दोनों आजू बाजू, और जैसे आप खुद गद्दी लगाइए और सामने आप हैं तो आपके राइट साइड जो जलेगी और आपके लेफ्ट साइड कड़ा प्रसाद रखा जाएगा। तो इसका मतलब यह है गुरु जी महाराज के राइट साइड कड़ा प्रसाद होगा और लेफ्ट साइड जोत जलेगी, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं, है ना। और राइट ही साइड आपको सारे भोग प्रसाद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले आप क्या रखेंगे, जल प्रसाद रखेंगे, आप गिलास में भी रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं। गुरु जी को जूस बहुत पसंद है, आप जूस रखिएगा, ठंडा ठंडा जूस, है ना। और कड़ा प्रसाद आप पहले से बना के रखिएगा थोड़ा सा पहले, और कड़ा प्रसाद बनाने का नियम यह है कि आप किचन में सर ढक के तब कड़ा प्रसाद बनाइएगा, और कड़ा प्रसाद भी आपको साइड में रखना है। आपने गुरु जी को जो भी सर्व करना है वो सब आप पहले से रेडी करके रखिएगा, आपको पकौड़ा रखना है या पूरी सब्जी रखनी है, रोटी रखनी है या समोसा प्रसाद रखना है, बिस्किट रखने हैं, जो चीज़ भी आपको गुरु जी को खिलानी है वो आप सब कुछ रखेंगे, और सब कुछ आप रुमाला से कवर जरूर करेंगे। रुमाला मतलब एक प्रकार का कपड़ा, जो भी आपके पास हो आप उसको कपड़े से जरूर वो कर दीजिएगा कवर, ठीक है। और साइड में जो आपके दिए वाली साइड होगी
उसमें आपने घी एक बार में थोड़ा ठीक से डाल देना, ताकि 1 घंटे तक आराम से जल जाए दिया, या 2 घंटे तक, और अगर छोटा है दिया तो आप बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो घर में और होती है फोटो, है ना, गणेश जी की या शिव परिवार की, वो आप रखिएगा छोटी सी, अगर आपके पास वाहेगुरु जी का कोई स्वरूप है तो वो भी आप वहीं पे दिए के आसपास ही रख दीजिएगा। और फ्लावर्स गुरु जी को बहुत पसंद है ना, तो जहाँ पे आपका मेन गेट हो या गेट हो, जहाँ पे भी थोड़े से फ्लावर वहाँ पे भी आपको डालने हैं। और चरणों में आपको एक छोटी सी रंगोली तैयार करनी है, अगर हो सके तो आप रंगोली तैयार कर लीजिएगा। और गुरु जी को गुलाब के फूल तो बहुत पसंद है, बाकी आप रंगोली तो मिक्स करके भी बना सकते हैं, है ना, येलो वाइट और रेड, जिस भी तरह से आप तैयार करना चाहें। और 1 घंटे की प्लेलिस्ट आपकी जब तैयार हो गई है, तो अभी आपको करना क्या है, सब कुछ अब आपने प्रबंध कर लिया है, रेडी कर लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्दी तैयार हो गई, तो ये सब आपका सारा सामान तैयार हो गया, आपने आपको खुद से भी अच्छे से थोड़ा सा साफ सुथरे कपड़ों में आप आ जाएंगे 4 बजे के टाइम या 5 बजे के टाइम, और गद्दी के सामने, गद्दी को आपने पूरा तैयार कर लिया है, महाराज जी का स्वरूप भी लगा लिया है, और जो चुन्नी है वो भी साइड से लगा दी है, कुशन लगा दिए हैं, और चरण भी रख दिए हैं, और साइड में दोनों टेबल भी लगा दी गई हैं। तो अब क्या करना है, बारी आ गई है प्लेलिस्ट की, आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने में जैसे ही जो भी आपने टाइम दिया है शार्प, उस टाइम पे आपकी प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगी। और जैसे आपने प्लेलिस्ट ऑन करी, तो उसमें सबसे पहले बजेगा वेलकम बैंड। जैसे आपने वेलकम बैंड बजाया, आपका म्यूजिक शुरू हो गया वेलकम बैंड का, तो आपको उस टाइम पे जितना क्लैपिंग आप करना चाहें क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्लैपिंग करते हैं, बाकी में आपको साइलेंट ही रहना होता है। तो क्लैपिंग कीजिए और जगह छोड़ दीजिए, जहाँ पे फैमिली मेम्बर हो उनको बता दीजिएगा थोड़ा साइड से हो जाए, ताकि जहाँ पे आपने गेट पे फूल लगाए हैं वहाँ से लेके और अंदर तक आपका गुरु जी को रास्ता मिल जाए, है ना। और वहाँ पे आप फूल भी अगर बिखेरना चाहे थोड़े से, तो आप डाल सकते हैं रास्ते में, ताकि गुरु जी महाराज आके खूब अच्छे ढंग से आपके जहाँ पे आपने गद्दी तैयार करी है, गद्दी पे विराजमान हो जाए। उसके बाद एक ओंकार शुरू हो जाएगा, तो एक ओंकार को अपने सर पे ढक के, चुन्नी को कवर करके अपने सर को, और फिर आपने जोत जलानी है, जोत जलानी है, और जोत जलाने के बाद आपको सबका, जो भी आपने शिव परिवार रखा है, वाहेगुरु जी रखे हुए हैं और गुरु जी, सबका आपको चंदन से टीका करना है, तिलक लगाना है, ठीक है। और फिर जितने भी आप फैमिली मेंबर हैं बाकी अपने भी सबके लगाना है, और बस फिर वहाँ पे शांति से बैठना है, शब्द सुनने हैं, गुरु जी को अपने एडवांस में ही जल प्रसाद रखना है, और जब गुरु जी आ जाते हैं तो उसके बाद आपको जूस देना है। और अगर आप वो 2 घंटे का सत्संग कर रहे हैं, तो आप उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद आपको समोसा, चाय और ये बिस्किट, नमकीन, जो भी आपको ऑफर करना है उस टाइम पे आपको रखना है। और जब आप लेके आएंगे, सर आपका ढका हुआ ही होगा, और आके थोड़ी देर के लिए आप गुरु जी के सामने खड़े होंगे, रिक्वेस्ट करेंगे गुरु जी से कि आप ये समोसा प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऑफर कीजिए उनको, और उसके बाद साइड में रख दीजिएगा, जो साइड टेबल है आपके लेफ्ट साइड पड़ेगी वो, और फिर वापस से मत्था टेकिए गुरु जी के चरणों में, और अपने स्थान पे आप बैठ जाइए, ठीक है। और जब भी परिवार में आप स्टार्टिंग में चंदन का टीका लगाते हैं, तब भी आप गुरु जी के चरणों में मत्था एक बार टेक कर तभी आप बैठिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जब ये कंप्लीट हो जाए 1 घंटे की प्लेलिस्ट, तो आप आरती कर सकते हैं, है ना। फिर तो आरती का शब्द के बाद जब मंत्र जाप होगा और फिर आरती, है ना। जैसे जो भी आपने शब्द की प्लेलिस्ट तैयार करी है 1 घंटे की या 2 घंटे की, उसमें एंड तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, शुक्राना आएगा, है ना, और मंत्र जाप होगा और उसके बाद आरती होगी। तो आरती के बाद आपको जो भी आपने लंगर प्रसाद वगैरह, अगर 1 घंटे का है तब तो उसमें चाय ही ठीक है, चाय वगैरह जो भी आपने समोसा वगैरह रखा है, लेकिन अगर आप लंगर प्रसाद भी दे रहे हैं, मतलब 2 घंटे का अगर आपने रखा है और घर में और लोगों को भी बुला रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि शुक्राना के टाइम पे ही आप जो है लंगर प्रसाद भी गुरुजी महाराज के पास रख दीजिएगा, जो लंगर प्रसाद आपने बनाया है पहले ही, मंत्र जाप से भी पहले ही, तो आप रख दीजिए ताकि महाराज जी अच्छे से उसको ग्रहण कर लें। और फिर आरती कीजिएगा और उस टाइम पे ही आप ये उठा सकते हैं,
और कोई भी लंगर प्रसाद की सेवा जिसने भी ले रखी है, जो भी सेवादार हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, जो भी वो जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं, सबके लिए वो सर्व कर सकते हैं। और आरती आरती में आपने एडवांस में आप तैयार कर लीजिएगा, जब जोत की थाली अलग तैयार करनी है आपको, और उसमें टॉफीज आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, बूंदी का लड्डू ये भी रख सकते हैं। तो इस तरह की थाली तैयार होगी और आरती इस प्रकार से थाली से होगी, ओम जय शिव ओंकारा। और फिर ये प्रसाद भी आप सबके साथ बांटिएगा, जो जल प्रसाद आपने गुरुजी महाराज को ऑफर किया था वो भी सबके साथ बांटिएगा, और जूस भी सबके साथ बांटिएगा। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा बॉटल्स भी एक साथ रख सकते हैं, ज़्यादातर लोग 7 बोतल वहाँ पे एक्स्ट्रा भी रख देते हैं गुरुजी के पास, ताकि वो भी अच्छे से ब्लेस हो जाए। आप 7 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ एक ही बॉटल भी रख सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही छोटा सा घर ही घर में कर रहे हैं और कम है फैमिली मेंबर भी, तो क्योंकि वो जल प्रसाद बहुत ब्लेस्ड होता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रखिएगा ताकि आपके भी अच्छे से काम आ सकता है वो बाद में भी। तो ये इस तरह से ही आपको सत्संग करना है, और फिर जब आपका ये सब कुछ हो जाता है तो उठाना कैसे है, है ना, ये सब कुछ कैसे हटाना है, तो उस दिन रात को ही आपको जो भी आपने डिनर बनाया है वो डिनर आप देंगे। और डिनर अगर शाम का ही आप कर रहे हैं, सपोज आपका सत्संग शाम का है रात का है, तो आप तब गुरुजी महाराज को दूध देंगे एक गिलास भर के, आप जलेबी भी दे सकते हैं साथ में, है ना, जो कोई भी स्वीट डिश आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, दूध तो जरूरी है, वो देना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट डे जब आप गद्दी हटाएं उससे पहले ही आपको गुरुजी महाराज को नाश्ता भी कराना है, है ना, जो भी आप नाश्ता खुद कर रहे हैं वही नाश्ता आपको कराना है, और आप गुरुजी महाराज के लिए मेन पनीर का पराठा भी बना सकते हैं, क्योंकि गुरुजी को पनीर बहुत पसंद है। तो बस उसके बाद गुरुजी को आप अच्छे से खिला पिला के और फिर वन बाय वन अपनी सारी चीज़ें वापस से हटा सकते हैं, माथा टेक के आज्ञा लेके। तो इस प्रकार आप छोटा सा सत्संग गुरु जी का कर सकते हैं, और सुबहरे जब आप पूजा पाठ करते हैं तो एक बार गुरु जी की आरती भी अवश्य कर लीजिएगा हटाने से पहले, और तब आप आज्ञा ले लीजिएगा। तो इस प्रकार आप एक छोटा सा सत्संग घर में गुरु जी महाराज की कृपा से कर सकते हैं, और गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर